दो आर्टिस्ट लाल मोहम्मद साहब एक स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, फर्क देखिएगा। ये तो एक एज ए एंकर है और बहुत बड़ी बात है। एक बार शब्बीर भाई के लिए तालियां बजाएं आप लोग। अरे चलिए जीता रहे। एक जब दो कलाकार एक स्टेज पर हैं, एक के पैर भूरे खां, एक के पैर में छोटे घुंघरू हैं, एक के पैर में बड़े हैं, अब दोनों का डिफरेंस देखिए। स्टार्ट करता है छोटे वाला, ये हमारे मामू की आर्ट है। मैं सुन तो लो पहले। मैं हाँ कैसे जी क्लैपिंग वेरी गुड। अब आता है बड़े वाले का टर्न। अब देखिए डिफरेंस जो चाहूंगा। पहले छोटा सुना आपने, अब बड़े वाला करता है। राजू साहब पहले जमाने में हमारी दादी पड़दादी सगड़ दादी नगर दादी पगड़ दादी जितनी भी थी, और खासकर राजस्थान का ये ट्रेंड मैंने आज तक भी देखा है शब्बीर भाई जी, हमारी माँ बहने अपने अपने सरों पे घड़े रखकर पानी लेने जाती हैं। पनिहारी पनघट पर जी, पनघट कहने, मैं कुएं का जिक्र कर रहा हूँ। अब कुएं पे पानी लेने जाती हैं तो एक बहुत मोटी चीज अपने पैर में जिसको पांजेब कहते हैं उनके पैरों में होती है। अब उनकी आवाज किस तरीके से आती है, यहाँ मटका भी रखा है तो वो जो जाऊंगा अंदाज भी देखें। उसमें बहुत सारे घुंघरू होते हैं। ये एक मिनट बंद कर दें बैंजू, इसमें है शायद हमें। किस तरीके से जा रही है पानी लेने, क्या हुआ, कुएं पे पहुंच गई। अब उनके हाथ में, हाथ के परिचन, हाथ में जो घुंघरू होते हैं शौकबंद जिनको कहते परिचन, हैं परिचन है। जी दस्तबंद हमारे यहाँ कहते हैं। वो किस तरीके से जब रस्सी डालती हैं कुएं के अंदर तो कैसे बोलते हैं, डोल गया, अब निकालती कैसे हैं। सुनी चरखे दी मिठी मिठी को मैया मैनू याद आवेगा, आपके मनोरंजन के लिए था, कुछ गलती हुई तो माफ करना भाई। बहुत जोरदार। अपनी वो गजल नजर कर रहा हूं, और जितने यूट्यूबर यहां बैठे हैं प्लीज इस गजल को यूट्यूब पे मत डालिएगा, मेरी इल्तमास है, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान टाइम्स वालों के साथ कोलैबोरेशन है। आप पूरा प्रोग्राम डालिएगा, इस गजल को मत डालिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। राजू साहब पूरी जिंदगी लाल मोहम्मद साहब
पप्पू भाई रिलेटेड है, चांद भाई का है नवाब साहब। जड़ों से अपनी उखड़कर भी लोग जीते हैं, ये जिंदगी है उजड़कर भी लोग जीते हैं। हवा कभी भी मुखालिफ नहीं किसी के लिए, मगर हवा से झगड़कर भी लोग जीते हैं। कोई भी गम हो बहुत देर तक नहीं रहता, मोहब्बतों में बिछड़कर भी लोग जीते हैं। जयसिंह जी राजपुरोहित जी की याद आ गई, जयसिंह जी राजपुरोहित इस महफिल में हमारे दोस्त बिछड़ गए। सगा मदा मदा मापा कमरे का मापा कमरे नहीं सदानी कोई भी गम हो बहुत देर तक नहीं रहता, मोहब्बतों में बिछड़कर भी लोग जीते हैं। बड़ा प्यारा कथा जहन में आया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पसंद करेंगे। शबीर मियां, खुद को औरों की तवज्जो का तमाशा ना करो, क्या बात है, आईना देख लो अहबाब से पूछा ना करो। वाह वाह वाह, खुद को औरों की तवज्जो का तमाशा ना करो, आईना देख लो अहबाब से पूछा ना करो, वो चिल्लाएंगे तुम्हें शर्त है बस इतनी कि तुम सिर्फ जीते रहो, जीने की तमन्ना ना करो। क्योंकि कमा में तीर चढ़ा है, निकल भी सकता है। कमा में तीर चढ़ा है, निकल भी सकता है, इरादा कर तो लिया है बदल भी सकता है। इरादा कर तो लिया है बदल भी सकता है। रखे खिलौने छुपा कर कहो अमीरों से, किसी गरीब का बच्चा मचल भी सकता है। किसी गरीब का बच्चा मचल भी सकता है। बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, बला 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 से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, मगर कमजरफ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। ये बदलेंगे दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। गुरूर सर में समाया नहीं असर, वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता। मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूं, क्या बात है, मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है,
अरे दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है, जमीन जमी से आए हैं चलकर जमी पर देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। जो मुझसे रोज कहते थे कि तुम पर जान दे देंगे, चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। चलो मनीष जी खुबानी साहिब ने ये 2500 ये बहुत सारे पैसों से नवाजा है, 2500 से भी बहुत ज्यादा है, मैं शुक्रगुजार हूं भाई का। चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख ले। मरहूम उस्ताद बड़े मजीद शोला साहिब के दो मिसरे हैं। दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। तो लीजिए मतला नजर कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ, पूरी रात एक तरफ, ये गजल एक तरफ मेरी जानिब से, क्योंकि ए दोस्त मिट गया हूं, फना हो गया हूं मैं, हर दर्द आशिकी की दवा हो गया हूं मैं, कायम किया है हमने अदम के वजूद को, दुनिया समझ रही है फना हो गया हूं मैं। इसी के साथ मतला नजर कर रहा हूं। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, मिसरे पर तवज्जो चाहूंगा। लाल मोहम्मद साहब, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, टूटे आवाज ना आए, सांप डसे दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, राजू भाई। सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपनों से तो गैर ही अच्छे, अपनों से तो गैर ही अच्छे,
अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। सामने वालों, मेरा प्रैक्टिकली ये शेर है, नौजवानों से तो वो जो चाहूंगा, क्योंकि लाल मोहम्मद साहब नौजवानों में ये हरकत ज्यादा होती है। जो चांद चांद तुझे कह के सर चढ़ाता है, वो बादलों के कुएं में तुझे गिरा देगा। तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, यही ख्याल तुझे आदमी बना देगा। बीच वालों से भी तो जाऊंगा, बड़ा प्यारा कता है और इस पे अमल करें जहां तक हो सके। मेरे मोहसिन, मोहसिन कहते हैं अजीज को, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ। अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के। दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना, दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना, दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना, दोस्ती करना रे रे नी धा गम गम बरे सा, दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना, दोस्ती करना मगर दे दा नी धा गम रे नी धा सा, दोस्ती करना बड़ा प्यारा मिश्रा जहन में आया है। राजू भाई, पप्पू साहब, नवाब साहब, हाय हाय, वाह 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 वाह। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, हर नए मोड़ पे एक जख्म नया देते हैं, तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात से ही लोग सदियों की रिफाकत को भुला देते हैं, कैसे मुमकिन हो धुआं भी न हो और दिल भी जले, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। कौन होता है मुसीबत में किसी का ऐ दोस्त, कौन होता है मुसीबत में किसी का ऐ दोस्त, कौन होता है मुसीबत में किसी का ऐ दोस्त, चोट लगती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, चोट लगती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, चोट लगती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, चोट लगती है तो पत्थर भी सदा देते। सदर साहब, ये गजल ही नहीं इबरत है, इसलिए मतले पर तवज्जो चाहूंगा तमाम लोगों से। हे दुश्मनी की तो क्या पूछिए, हे दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी तो क्या पूछिए, दोस्ती का
ये मोहब्बत की बात है। हाय हाय, अच्छी लग रही है। जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली, क्या फायदे को रोई ये लागत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको शहीद होके भी शोहरत नहीं मिली। मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है। मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। आजा मैं तेरे हुस्न का सदका उतार दूं। क्या बात है राजू साहब, आजा मैं तेरे हुस्न का सदका उतार दूं, क्योंकि पगड़ी इस वक्त दोई के सरों पे है। आजा मैं तेरे हुस्न का, पीछे से मुझे इशारा हो रहा है इनके पास खत्म हो गए। इधर तो वो खजाना है अल्लाह की कसम, अगर ये 10 रातें भी लुटाएंगे तो खत्म नहीं होंगी। अब देखो यही गड्डी लेके इधर आएंगे, ये इस पते पे तो जरूर आओगे। रखो मत उसे, अब जो निकल गया इधर आ जाओ, क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है जो जेब से निकाल लिया वो कभी रखा ही नहीं है, और आप हमारे बुजुर्गों में से हैं। एक कथा सुन ले, यकीनन राजस्थानी ईमानदार होते हैं। ये पूरी की पूरी गड्डी मुझे अता फरमाई है। भाई और भी तो होंगे राजू साहब के चाहने वाले। राजू साहब एक चार मिसरे सुनते जाइए, ये दौलत तो आनी जानी चीज है। एक चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं, और मुझे यकीन है आसमां इतनी बुलंदी पे क्यों इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। और तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर, वरना मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। वो दुश्मनी की दुश्मनी दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। आप मुझसे भी पर्दा करें, पर्दा करें, आप मुझसे भी पर्दा करें। अब किसी का भरोसा नहीं, आप मुझसे भी पर्दा करें।
लालवा मसा पूरी रात में बड़ा मजा आया है। इसका सिर्फ तीन से चार शेर है अमन भाई, लेकिन तीन से चार शेर इबरत के शेर हैं। अगर इंसान अपनी जिंदगी से रिलेटेड इसको रख ले, यकीनन इंसान की जिंदगी से रिलेटेड ही है। पहला शेर नजर कर रहा हूं, क्योंकि चांद ऊंचा है बहुत, चांद का सौदा ना करो, दूर से देख लो छूने की तमन्ना ना करो। इसलिए शेर नजर कर रहा हूं, नौजवान भाइयों तवज्जो देना। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा। क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा। क्या जरूरी, क्या वो क्या जरूरी बताओ। भाई कुछ भी नहीं है, आप लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, यहाँ इतना अच्छा सिक्योरिटी का इंतजाम है। वो चांद देखने के लिए खड़े हुए यार, बैठ जाओ, बैठ जाइए आप। क्या जरूरी ना पा सगमदनी, क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा। जुगनुओं से भी निस्बत रखो, निस्बत रखो, जुगनुओं से भी निस्बत रखो। ये चांदनी का भरोसा नहीं, मोहम्मद साहब ये जितने लोग खड़े हैं जरा दो मिनट के लिए बैठ जाएं भाई। लाल मोहम्मद भाई ये दोनों शेर इबरत के हैं जो नजर कर रहा हूं भाई। सामने वालों तवज्जो है, आप लोग इधर तवज्जो रखें तभी मजा आ रहा है गाने में भी। तवज्जो है, किस किस की है? राजू साहब हम पूरी जिंदगी कमाते हैं, कभी गाड़ी, कभी बंगला, कभी बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, लेकिन तमन्ना यही रहती है कि अगर छोटी खरीदूं तो बड़ी हो जाए, बड़ी खरीदूं तो उससे ज्यादा ले लूं। तो ये ख्वाहिशात जो हैं ये कभी खत्म नहीं होती हैं। इसीलिए मैं तवज्जो चाहूंगा इसके शेर पर जो इसका सबसे प्यारा शेर है, मेरे नौजवान भाइयों की और सभी की नजर कर रहा हूं। बोल दो अमन भाई, बोलो। वादा उतना बाबू सिंह जी चौहान और हनुमान जी साखला साहब इस्तकबाल भी हो रहा है, सकते हो ख्वाब पूरा जो ना हो ना दिखाना मुझको ख्वाब पूरा। ये स्वागत जरा दो मिनट के लिए लाल मोहम्मद साहब रोक दें, बड़ी मेहरबानी होगी, वरना पूरी गजल का मजा खत्म हो जाएगा। जो जा रहे हैं वो दो मिनट रुक जाएं। ये हमारे राजेश जी शर्मा
गुरुदेव वाले उनकी जानिब से 2500 रुपए हमें मिले हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। लाल मोहम्मद भाई 2 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे टाइम दे दें। जो सुरेंद्र जी का था आ जाएगी जी। हेलो, काठा कार्गो, सुरेंद्र जी काठा था, प्लीज आए। फिक्र मोमिन की, अगर भूल जाए ज़बादात की, गालिब का बयान, वीर का रंग सुखद हो तो गजल होती है। सिर्फ अंदाज ही मायने पैदा नहीं करते, जज्बाए खदमते फन हो तो गजल होती है। क्या बात है, शेर पर तवज्जो दीजिए। बड़ा प्यारा शेर है राजू साहब। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। कितने दुख जिंदगी के लिए, कितने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं। कितने दुख जिंदगी के पूरी गजल की जान है ये शेर। बड़ी ही शान से रहते थे लोग जिसमें कभी, उसी मकान में अब मकड़ियों का जाला है। राजू साहब आपके तो बहुत गुजरी होगी ऐसी दास्तानें। बड़ी ही शान से रहते थे लोग जिसमें कभी, भैया उसी मकान में अब मकड़ियों का जाला है। बहुत गुरूर है तुझको तो अपनी दौलत पर, इसी गुरूर ने कितनों को मार डाला है। बहुत डूबे मगर गहरे समंदर से निकल आए, हम आखिर सब्र की हद से बहुत बाहर निकल आए। निकल आए जहां पर खुद नुमाई और तकब्बुर की गजालत थी, खुदा का शुक्र उस रस्ते से हम बचकर निकल आए। शेर सुनिए शबीर भैया। क्या जरूरी कल ये मेरे भी आंगन में थी, कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये मेरे तुझको गुरु राज है।
कलिए शायद तुझे छोड़ दे, छोड़ दे वो कलिए शायद तुझे छोड़ दे। इस खुशी का भरोसा नहीं, कलिए शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं, कलिए शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं, कलिए शायद तुझे छोड़ दे, मेरे सा कलिए शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा प्यारा शेर नौजवानों की नजर कर रहा हूं। ये तकल्लुफ न फरमाइए, मेरी बाहों में आ जाइए, ये तकल्लुफ न फरमाइए, मेरी बाहों में आ जाइए। भाई मुंदू भाई, क्या नाम? जेदानंद दरगाह कमेटी के सदर मोहतरम मुंदू भाई, उनका इस्तकबाल नौजवान कमेटी चलाउटा की जानिब हो रहा है। अकीम भाई आप ही आ जाएं, थोड़ा सा ऑडियंस भी मेरा साथ दे। हेलो, सिर्फ इतना कहें, आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है, खा क्या रखा है, बस रखा है कह दो, आपको मैंने निगाहों में बसा है। सभी लोगों से गुजारिश है, पीछे वालों से भी, आपको मैंने निगाहों में बसा, लेफ्ट वाले भी, आपको मैंने निगाहों में बसा, आईना छोड़िए आईने में क्या, छोड़िए दरसे मसावात में क्या, हर बड़े शख्स ने छोटे को दबा, जिसके साए में हंसी वादे किए थे तूने, मैंने उस पेड़ की शाखों को हरा, तेरे बीमारे मोहब्बत ने दमे आखिर भी तेरी तस्वीर को सीने से रखा, जाने कब लौट के आ जाए बिछड़ने वाला, इसी उम्मीद पे दरवाजा खुला, उम्मीद पे दरवाजा खुला। फरमाइश है कि एक मर्तबा और लाल मोहम्मद साहब आ गए हैं यहां। अपने अपने माँ बाप से कौन कौन प्यार करता है? तुम्हें अपने माँ बाप की कसम सभी कहे रखा है। ये राजेश जी शर्मा ने हमें फिर ये 2000 रुपए से नवाजा है और फरमाइश भी की है, साथ में सब कहें, आपको मैंने निगाहों में बसा, आईना जोड़िए आईने में क्या, छोड़िए दर से मजावात में क्या, हर बड़े शख्स ने छोटे को दबा, तेरे बीमारे मोहब्बत ने दमे आखिर भी तेरी तस्वीर को सीने से लगा,
जिसके साए में हंसी वादे किए थे तूने, मैंने उस पेड़ की शाख को हरा रखा है। जाने कब लौट के आ जावे बिछड़ने वाला, जाने कब लौट के आ जावे बिछड़ने वाला, जाने कब लौट के आ जावे बिछड़ने वाला। इसी उम्मीद पे दरवाजा खुला और तमाम लोगों का शुक्र गुजार हूं। बड़े भाई ने ये 5,000 रुपए से नवाजा है। एक चार मिसरे और सुनो। इसी उम्मीद पे दरवाजा खुला रखा है दिल में, बस आपसे मुखातिब हूं, पैसों की वजह से नहीं, माफ कीजिएगा। शेर सुना रहा हूं, सरपंच साहिब है, साहिबा है, ये नवाब चाचा के घर से हैं। हमारी खुश नसीबी है कि नवाब चाचा तो आए नहीं है, लेकिन हमारी चाची आ गई है, इनकी वजह से इनकी नवाबी है। सोचता हूं नवाब चाचा, चाची के लिए चार मिसरे पढ़ रहा हूं। दिल में बस अब तेरी सूरत के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी में तेरी चाहत के सिवा कुछ भी नहीं, तू ही बतला के तुझे तोहफे में क्या पेश करूं, अब मेरे पास मोहब्बत के सिवा, शायद रहे ना रहे, ना रहे कल ये शायद रहे ना रहे, जिंदगी का भरोसा नहीं। मरहूम अजीज नाजा साहब कहते हैं, अरे कर गुनाहों से तौबा आकबत संभल जाए, कर गुनाहों से तौबा आकबत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए, दम का क्या भरोसा है जाने। पप्पू भाई हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, एग्जाम्पल है, लेकिन आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं,
आखिरी शेर मख्ता नजर कर रहा हूं, मेरे बड़े भाई जनाब नदीम शाह देवबंद से हैं। छोड़ के आ रहे हैं। पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये न देंगे दगा आपको। पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये न देंगे दगा आपको। कल की बात है, सादा कर देंगे इसको। मेरा एक बड़ा अजीज दोस्त, कल की बात, बीता हुआ कल जो है, बड़े पूरे दिन से सैड, पूरे दिन से अफसोस में था। मैं जब यहाँ के लिए निकला, मैंने पूछा, यार मुझे बता तो सही, हकुल ईमान सरकार के सामने कह रहा हूँ, बात क्या है? बोले, यार बात ये है, मेरा दिल कर रहा है मैं कहीं चला जाऊँ। मैं बोला, मसला क्या है? मसला ये है कि मैंने किसी से अपनी बात कही थी भरोसा करके, उसने किसी तीसरे से कह दी। अब देखिए मौजू कहां हो रहा है। पत्थरों से कहो राज दिल, ये न देंगे। सही है साहब, इस शेर पर बिल्कुल इफेक्ट ना देना। पत्थरों से कहो राज दिल, ये न देंगे दगा आपको। ऐ नदीम आज के दौर में, ऐ नदीम आज के दौर में, आदमी का भरोसा नहीं। ऐ नदीम आज के दौर में, आदमी का भरोसा नहीं। मेरे महबूब, मुझे शौक से पत्थर कह लो, मैं तो पत्थर को भी भगवान कहा करता हूं। बेरुखी होती है महबूब से जो पहलो पहल, मैं उसे प्यार का उनवान कहा करता हूँ। वो भी पत्थर है कि फुटपाथ की तामीर में जो टुकड़े टुकड़े अगर होते हैं तो काम आते हैं। उन्हीं फुटपाथ से सोते हैं निपट कर मजदूर, दो घड़ी के लिए आराम जहां पाते हैं। वो भी पत्थर है कि आज़र के कलम से जिसने किसी माशूक की तस्वीर बनाई होगी। वो भी पत्थर है कि शिवबन के जिन्होंने कितने पूजने वालों की तकदीर बनाई होगी। वो भी पत्थर है पड़ी जिससे बिनाई काबा, वो भी पत्थर है जिसे काबे का झूमर कहिए। संगे अस्वद को तो महबूबे खुदा ने चूमा, क्यों ना उसको मेरी तकदीर से बढ़कर कहिए। संगे अस्वद तो बड़ी चीज है, उसकी क्या बात, काश मैं भी किसी फुटपाथ का पत्थर होता। किसी मजदूर को आराम तो मैं दे सकता, आज के दौर के इंसान से बेहतर होता। इश्क की आग है पत्थर में भी पिनहा सैफी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे दिलबर कहना। मेरे महबूब तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, आज के दिन से हमेशा मुझे पत्थर कहना। पत्थरों से कहो, ये पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको। ऐ नदी मौज के दौर में, दौर में, ऐ नदी मौज के दौर में, आदमी का भरोसा नहीं। नदी आज के दौर में, आदमी का भरोसा नहीं। ओए नदी आज के दौर में, अब और क्या किसी से मांगूं।
अब कोई फूल चुनने का इरादा नहीं है, क्योंकि किसी भी फूल में गंध ज्यादा नहीं है। क्योंकि चले तो चले, चलते चले गए, बाहर होके आगे निकलते चले गए, अब आकर के बैठे हैं कैसी जगह पर जहां से उठने का इरादा नहीं है। आज आपने जो डिसिप्लिन जो मैनेज किया ना, कमाल। मगरे मगरे का जो है आपका वास जामा जी। अब मुकाबला, मुकाबला ही तो चल रहा है, ये मुकाबला ही तो चल रहा था सर, सुधर साहब। अच्छा बैठिए आप सभी लोग, सिटिंग चेंज हो रही है। हाँ जी, हानी जी बैठ जाएं आप लोग, जो भी खड़े हैं बैठ जाएं आप। जहां गोपाल जी अग्रवाल साहब, उनका इस्तकबाल हो रहा है, वेलकम हो रहा है। हेलो रौनक, कोई एक शेर का मुकाबला, एक एक, एक शेर का सिर्फ जो हो, चीसा सा बीला ना हो। अच्छा दिने मैं तो वो नहीं रहा, सुनना है वो बैठे आप। का वो है क्या, मेल मेल वर्जन है तुम्हारे पास? मेल वाला वर्जन है, मतलब जेंट्स वाला है तुम्हारे पास लिखा हुआ? हेलो 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 जी, हेलो जरा सा लाउड कर दो भाई। हेलो हेलो माइक्रोफोन, हेलो 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 जी, बहुत अच्छे भाई।